हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्फो एज के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 4 मार्च 2024 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नौकरी में। यहाँ पे आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्टॉक में 1.90% का नेगेटिव मूव, 51.83.75 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। ये रहा हमारा मार्च 2nd का जो यहाँ पे क्लोजिंग है, इसका मतलब जो सैटरडे को यहाँ पे जो है हमारा जो है मॉक यहाँ पे टेस्टिंग हो रहा था, यहाँ पे जो है हमारा सेशन जो है चालू था उसका जो है मोमेंटम है यहाँ पे 1.90% का नेगेटिव का, 51.83.75 पे क्लोजिंग का। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट रहने वाला है या फिर वो पॉजिटिव मोमेंट रहने वाले, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है ज़रूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग, यहाँ पे सैटरडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को हमें स्टॉक में क्या देखने वाला है ज़रूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए बिना समय का सबसे पहले हम जाते हैं वनडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से भी कम हमें जरूर सैटरडे के दिन वॉल्यूम देखना है क्योंकि लिक्विडिटी का यहाँ पे इशू था। सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स तक ही जो यहाँ पे हमारा मार्केट जो ओपन था, बाकी अगर उसके पहले देखें तो एवरेज से ही हमें जो है एक वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे जो आप देख सकते हैं स्मॉल टू मीडियम साइज की बॉडी बनी है, नीचे के साइड में छोटी सी, ऊपर के साइड में बारीक सी विक हमें जरूर देखने मिल रही है। RSI की बात करें तो 46-47 के आसपास हमारा RSI आ चुका है जो स्लाइट एक पॉजिटिव मोमेंट का इशारा देता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसीडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ RSI इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्टॉक में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा और वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड को हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा ओपिनियन जरूर आने वाले दिनों के एक पॉजिटिव मूव का एक्सपेक्टेड है। 52-34 के आसपास हमें मोमेंटम देखने में, उसको भी क्रॉस करते हुए गया तो ईजी मूव हमें जो है 53-10 तक आते हुए देखने मिल सकता है। बाकी यहाँ पे अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में। यहाँ पे मंडे के दिन क्या होने वाला उस बारे में हम सीधा बात करते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रिस्क को मार्क करते हुए। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सपोर्ट जोन और रिस्क ऑलरेडी हमने जो है प्रीवियस वीडियो जो जब हमने एनालाइज किया था स्टॉक का तब वहाँ पे हमने बनाया था, कुछ डेटा हमें डिफरेंट बनते हुए देखने मिला, उसको यहाँ पे मैं खाली मार्क करके रख देता हूँ। बाकी यहाँ पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर लें, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोजिंग हुई 51.85 के आसपास, डायरेक्ट सपोर्ट आता है यहाँ पे 51.45 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 52.29 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख लें, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट 2 सपोर्ट्स और 2 रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 50.93 का, उसके बाद क्या आता है 50.44 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 53.22 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस उसके बाद क्या आता है 53.84 का। तो यहाँ पे मैंने जो 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस आपको बताए हैं ज़रूर जब उसी को कंसिडर में रखते हुए अपना यहाँ पे मंडे के दिन का ट्रेड ले। मेरा ओपिनियन मंडे के लिए अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ज़रूर जो है एक पॉजिटिव मूव का एक्सपेक्टेड 52.29 से लेकर 53.22 के रेंज में हमें क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है। ओपनिंग यहाँ पे अगर नेगेटिव थोड़ी सी हुई तो फिर स्टॉक जो है इसी रेंज में जो क्लोज होते देखने मिले, लेकिन ज़रूर एक पॉजिटिव मूव में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी आपको क्या लगता है क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।